नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने अभी से सियासी जमीन टटोलना शुरू कर दिया है। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी समर में उतर चुके हैं। माना जा रहा है कि सीमांचल में ओवैसी खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार की सियासत में इन दिनों सीमांचल का इलाका बेहद अहम हो गया है। पिछले कुछ महीनों में तमाम सियासी दलों के बड़े बड़े नेताओं ने रैली कर न केवल अपनी ताकत का एहसास कराया बल्कि जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश भी की। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी सीमांचल की मुस्लिम बहुल्य सीटों को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर ओवैसी ने 18 और 19 मार्च को सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज जिले में सीमांचल अधिकार पदयात्रा की और जनसभा को संबोधित किया। जानकार भी मानते हैं कि इस इलाके में भाईजान किसी का खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बिहार के सीमांचल का इलाका असम और पश्चिम बंगाल के साथ साथ लगा हुआ है। यहाँ पर 40-70% तक मुस्लिम आबादी है। ओवैसी ने बिहार में इसी सीमांचल के इलाके को अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन साल 2020 में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने सीमांचल के इलाके से जीत दर्ज की, लेकिन बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया। ये ओवैसी के लिए बिहार में बड़ा सियासी झटका था। सीमांचल का इलाका भले ही मुस्लिम बहुल्य है, लेकिन यहाँ अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटर की भी अच्छी खासी आबादी है। आरजेडी यहाँ पर मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए मजबूत मानी जाती है, तो जेडीयू मुस्लिम और अति पिछड़े के दम पर जीतती रही है। अब जब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ओवैसी की कोशिश है कि सीमांचल की मुस्लिम बहुल्य 47 सीटों पर विजय पताका फहराए। बता दें, नीतीश कुमार के अलग होने के बाद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल से ही बीजेपी के मिशन बिहार का आगाज किया था, तो उसी मैदान में नीतीश तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से महागठबंधन की रैली पूर्णिया में करके अपनी ताकत दिखाई थी। वहीं अब अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस एतियादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी उतर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ओवैसी फैक्टर सीमांचल के सियासी गणित में कितना कारगर साबित होता है। क्या ओवैसी की पार्टी सीमांचल की जनता को अपने पक्ष में लाने में कामयाब होगी, या महागठबंधन और बीजेपी ओवैसी की मंशा पर पानी फेर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।